उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आईटी टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो आईटी टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सिवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा एमटीएफ है, आरटीएफ है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में है उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइमा और मौजनों को आप अचलिकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलिकास पुजारी को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम आइमा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितने भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1,00,000 रुपये का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1,00,000, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स ख्वातीन को दिए गए थे जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोर्ट की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी जो वो औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वह तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वह कांग्रेस की हुकूमत हो या बीआरएस की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1,600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं